है, वो लोगों का आभार कैसे मना करना चाहिए? सबसे पहले मैं इस महोत्सव के बारे में बता दूं कि इस महोत्सव जो अपने आप में एक देखा सभी ने, जो पूरी दुनिया देख रही, जिसको आपने देखा पूरी दुनिया ने, जो सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से देखा है, जिसमें आपने देखा कि हमारे भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री जिसमें पधारे हुए थे, और हमारे पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज, और इस कार्यक्रम के लिए जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, और इस कार्यक्रम को अगर सबसे बड़ा अगर हेल्प और एक नया मोड़ दिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ जो संस्थापक हैं पूज्य गुरुदेव राजेश्वर जी, जो इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन्होंने आके कार्यक्रम में अपना बाखूबी और पूज्य गुरुदेव को एक साधु सम्मान जो इंग्लैंड संसद एवं सब सिद्धाश्रम शक्तिपीठ के माध्यम से गुरुदेव को सम्मानित किया है, और इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मर्यादा महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जानकारी। मर्यादा महोत्सव एक पूज्य मुनि पुलक सागर जी महाराज का ऐसा उनका 23वां दीक्षा जयंती महोत्सव था, जो ने 23 साल उन्होंने अपनी यात्रा अध्यात्म की यात्रा जिन्होंने करके आज उनके संन्यास जीवन का 23वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24वां वर्ष शुरू होने वाला है, उसके लिए हमने एक आयोजन एक नया रूप दिया, जिसमें समूचे पूरे मुंबई से जितने भी आदरणीय सूरज जी बड़जत्य साहब, रिजवान जी आदित्य जी, गौतम बंसाली जी, मोतीलाल जी ओसवाल जी, हमारे गुरुदेव मुनि पुलक सागर जी राजराजेश्वर जी, और तमाम हमारी टीम आदरणीय सदाशनी डांगी जी, भागचंद सेठी जी, जितने भी सभी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, और एक सफल आयोजन के माध्यम से एक मर्यादा महोत्सव को एक सफल बनाने का एक प्रयास किया हमने। तो अब सफल बनाना है, इसका हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, इसका प्रमाण पत्र अगर कोई देने वाला है तो हमारी आप लोग प्रमाण पत्र देने वाले हैं कि सफल है कैसा है, ये आप लोग देंगे। गुरु जी, आप भी लंदन से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र भाई जी का यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? देवेंद्र भाई जी ने जितनी मेहनत की है, और कई बार कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आदमी अकेला ही चलता है, मगर साथ साथ जब सफलता मिल जाती है तो पूरा समाज चलता है, और कोई भी अच्छे कार्य में एक विरोध पक्ष भी अपना कार्य करेगा, मगर जब प्रमाण पत्र मिलता है समाज के माध्यम से, और मेरा तो मानना ये है कि हर कार्य समाज के अंदर कोई भी करता है उनको सपोर्ट करो और सपोर्ट साथ दो, साथ देते देते अगर समाज साथ में रहेगा तो पूरी संस्कृति बदल जाएगी, जब संस्कृति बदलेगी तो सभ्यता मिलेगी, यही मैंने देखा, और मैं सबको धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद करूंगा कि जन जन में आप लोग ये कार्य को पहुंचा रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया, जो शुरुआत देवेंद्र भाई जी ने की, जो सहयोग और जो आशीर्वाद राजेश्वर जी ने आचार्य जी ने दिया, ये यात्रा अभी शुरू ही है, और मुझे आशा है कि बहुत लंबे दूर तक जाएगी। लोग महावीर को मानते हैं, महावीर की नहीं मानते, लेकिन अब लगता है कि महावीर की भी मानने लगे। थैंक यू।